नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल मेटालिक वायर्स विथ रेजिस्टेंस कैपिटल आर फॉर्म्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, अ कंडक्टिंग रॉड ए बी इज ऑन द वायर एज शोन हियर, ठीक है, इस फिगर में द स्पेस हैज अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, यानी बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, द रॉड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, तो वी नॉट ये लिखा हुआ वी नॉट, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड नो रेजिस्टेंस इन द वायर एंड द रॉड, ठीक है, आफ्टर टी द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल बी वी सच दैट, सबसे पहली बात ये मोशनल ईएमएफ के अकॉर्डिंग जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा या वी नॉट वेलोसिटी से सपोज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आउटवर्ड है चार्ज और मोशन हो रहा है राइट साइड में, मोशन हो रहा है राइट साइड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मोशन हो राइट साइड में, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हुई, करंट मूव करेगी नीचे की तरफ, इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यानी ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, यानी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ छोटा सा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सएल बना देते छोटा सा, ठीक है, तो करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, अब क्योंकि करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल चार्ज पार्टिकल के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ, तो फोर्स किधर लग रहा है, थंब किधर है, लेफ्ट साइड में थंब है, ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मोशन दोगे, मोशन आपने दे दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई भी रोकने वाला फोर्स जब आपने अप्लाई किया था कोई नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये मोशन में आया करंट फ्लो होने लगी, और जैसे ही करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फोर्स अपोज करेगा इसको, तो जब अपोज करेगा तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, तो कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी यहां पर बोला जा रहा है ना वी होगी टी टाइम के बाद, वो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो पहले वेलोसिटी अगर वी नॉट थी अब वेलोसिटी वी रह गई है तो वो कम होगी पहले के कंपेयर में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।